वहीं केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में किसान पिछले करीब 2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में एक के बाद एक कई बड़े ऐलान किए। किसान आंदोलन को देखते हुए उम्मीद की जा रही थी कि सरकार इस बार किसानों के लिए पूरा खजाना खोल देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिछले साल के मुकाबले इस बार कृषि बजट में 2% का ही इजाफा हुआ है। वहीं साल 2019-20 में सरकार ने कृषि क्षेत्र को 1.12 लाख करोड़ रुपए दिए थे। वहीं 2020-21 के लिए कृषि क्षेत्र की मजबूती के लिए 1.45 लाख रुपए आवंटित किए गए थे, लेकिन इस साल यानी 2021-22 के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए ही दिए गए हैं। हालांकि बजट में सरकार का जोर कृषि से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं के विकास पर रहा। वहीं बजट से दिल्ली के किसानों की उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं। न तो दिल्ली में फसलों पर MSP का लाभ मिल रहा है और लागत भी न मिलने से किसानों की परेशानियां बनी हुई हैं। बजट में किसानों के लिए ऋण में बढ़ोतरी का प्रावधान किया गया, लेकिन किसानों का कहना है कि पहले ही कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। किसानों को इस बार बजट से कर्ज माफी की उम्मीद थी। वहीं झाडोला कला के किसान राजेंद्र सिंह डागर का कहना है कि सरकार ने 2022 तक किसानों की दोगुनी आमदनी की बात दोहराई है, लेकिन दिल्ली के किसानों का रोना है कि उन्हें दिल्ली में किसी भी फसल पर MSP न मिलने से दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ रहा है। वहीं ऋण के लिए प्रावधान करने की बजाय कर्ज माफी से किसानों को राहत मिल सकती थी। किसानों ने कहा कि किसानों को दिल्ली की मंडी में भाव नहीं मिलते, नतीजन उन्हें फसलों का लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा है। वहीं किसानों को इस साल गोभी का भाव 1 रुपये प्रति किलोग्राम भी नहीं मिला, आखिरकार पशुओं को खिलाना पड़ा, इससे प्रति एकड़ हजारों का नुकसान भी हुआ है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।